किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर धाकड़ी किसान यूट्यूब चैनल पर। मैं अर्जुन धाकड़ आप सभी का अपना किसान दोस्त। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्याज की नर्सरी के ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो प्याज की नर्सरी कौन से समय पर तैयार करना चाहिए और कैसे हम जो प्याज की नर्सरी तैयार करते हैं उनमें क्या गलतियाँ करते हैं, और जो बरसाती प्याज होता है दोस्तों उसका सही तरीके से प्याज की नर्सरी कैसे डालते हैं जिससे कि आपको अच्छा मुनाफा ले सको। जैसे कि जो हमारी जो बरसात की प्याज की नर्सरी होती है उसे डालने का सही समय क्या होता है, तो इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर प्याज की नर्सरी, अगर हम शुरुआती यानी कि जो बरसाती प्याज की नर्सरी होती है उसको जल्दी अगर हम तैयार कर लेते हैं तो हमें अच्छे मुनाफा ले सकते हैं। 2 से 3 लाख प्रति एकड़ से आप अच्छा मुनाफा ले सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं प्याज की नर्सरी 100% सक्सेसफुल करने का क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले है जो हमारा प्याज का जो बीज होता है दोस्तों उसका सही सिलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको प्याज अच्छी वैरायटी का लेना है और तभी आपका जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। सबसे पहला है प्याज का बीज सही से ले, और इसके बाद अगर आप जो उसे प्याज को नर्सरी तैयार करने का जो समय है दोस्तों सही समय, उसे आप बरसात होने से 25 से 30 दिन पहले आप उसकी नर्सरी डालकर जो उसमें, क्योंकि जो उस समय बरसाती प्याज के लिए पहले अगर हम मई में इसकी नर्सरी तैयार करते हैं तो उस समय दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो उसके लिए मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाकर रखा है जिससे पूरी जानकारी दी हुई है कि गर्मी में जो बरसाती प्याज की नर्सरी है वो कैसे तैयार करें, वो उस वीडियो में पूरी जानकारी डिटेल कवर कर ली है। और बात करते हैं वहाँ पर बेड बना के आप उस पर ड्रिप इरीगेशन जो माइक्रो स्प्रिंकलर होता है वो लगा के आप उसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि जो हम बरसाती प्याज की जो अगेती नर्सरी तैयार करते हैं उसमें हमको बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिलता है, जिससे हम जो हमारी फसल है दोस्तों उसको तो 25 से 30 दिन अगेती ले सकते हैं, यानी कि जल्दी ले सकते हैं। क्योंकि जिन किसान भाई, जो भी किसान भाई ये प्याज की खेती करते हैं वो बरसात होने के बाद ही प्याज की नर्सरी तैयार करते हैं और उसके बाद ही उसकी चौपाई करते हैं। क्योंकि अगर हम जो प्याज की नर्सरी है दोस्तों वो गर्मी के टाइम में यानी कि बरसात से 20 से 25 दिन पहले तैयार कर लेंगे तो उससे हमारी फसल भी 20 से 25 दिन पहले आ जाएगी, जिन किसानों ने बरसात के टाइम पे प्याज की नर्सरी डाली थी। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पर नए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।